गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी फंक्शन विच इज़ ऑफ द फॉर्म, कोई भी फंक्शन है अगर इस फॉर्म का है, ए प्लस आयटा, आई इज़ कॉल्ड आयटा, आयटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. वेयर ए इज़ द रियल पार्ट एंड बी इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है जो ए प्लस आयटा बी की फॉर्म का है, वेयर ए इज़ द रियल पार्ट एंड बी इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ द नंबर, दैट नंबर इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट को हम बोलेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर. उसका एक पार्ट होता है रियल, ये होता है आयोटा, और ये पार्ट बन जाता है इमेजिनरी पार्ट. अब आयोटा की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस वन. तो अगर मैंने आयोटा स्क्वायर निकालना है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन. आगे हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ करेंगे, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू विल डायरेक्टली यूज़ माइनस वन. इन द सेम वे, अगर आयोटा क्यूब चाहिए हमें, तो मैंने इसको लिख दिया, स्प्लिट कर दिया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं पीछे, प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ माइनस वन. सो इट इज़ माइनस वन इंटू आयोटा एज इट इज़. तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा. आयोटा फोर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन. तो हमने यहाँ पे फोर वैल्यूज़ निकाली हैं. एक तो आयोटा की वैल्यू रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये लर्न करनी है आपको वैल्यूज़. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है मैंने ड्राइव करके दिखा दिए हैं. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा फोर की वैल्यू प्लस वन. नाउ क्वेश्चंस हैं हमारे 1 to 10 तक. सब में एक ही मेथड है कि हमें एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा बी में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है. सो माइनस एज इट इज़ 5 into 3/5 आयोटा इंटू आयोटा. 5 से 5 कैंसिल, 3 आ गया. आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? माइनस वन. डायरेक्टली यूज़ करेंगे, यानी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है. माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19. तो इसको एक्सप्रेस करना है हमें ए प्लस आयोटा बी में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा फॉर्म क्या था कि ए प्लस आयोटा बी में एक्सप्रेस करो. अब 3 तो हमारा रियल पार्ट है, इट मींस इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आया. सो यू कैन आल्सो राइट आयोटा इंटू 0. जो पार्ट नहीं है वो 0 हो गया. अगर आप यहाँ तक लिखोगे आंसर तब भी करेक्ट है, इस तरह से लिखोगे तो भी करेक्ट है. नेक्स्ट आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 19. तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 4 4 2 8 इंटू 1 पावर मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड. आयोटा 4 का स्क्वायर 4 2 8 और एक पावर हो गई 9. 4 4 16 इंटू आयोटा का क्यूब 19 हो गई. 16 प्लस 3 19. आयोटा 4 की वैल्यू क्या थी? 1. 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया आयोटा. ये 1 है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा माइनस आयोटा इज 0. सो 0 क्योंकि रियल पार्ट है, यू कैन आल्सो राइट 0 प्लस 0 आयोटा. नेक्स्ट है हमारा आयोटा की पावर माइनस 39. नीचे ले आया तो प्लस 39 हो गई.
फोर एट ज़ा 32, क्योंकि हमने ओयटा की पावर 4 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओयटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, इसको सॉल्व करना ईजी रहता है। 4 8 ज़ा 32 इंटू आयोटा 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, हमारे पावर कितनी है 39, तो 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 इंटू आयोटा की क्यूब कर दिया हमने। आयोटा क्यूब क्या होगी, इसमें भी करेक्शन कर देती हूँ मैं, हमारा क्वेश्चन था आयोटा की पावर 1/39, सो इट इज़ आयोटा की पावर 4 4 9 ज़ा 36 इंटू आयोटा की क्यूब, तो 1 की पावर 9। आयोटा क्यूब क्या होता है हमारा, माइनस आयोटा, तो माइनस का 1/आयोटा था, आयोटा कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो उसको हम करते हैं रैशनलाइजेशन, तो माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया हमारा आयोटा, तो ये वाला पार्ट करा दिया ने। होप इट इज़ क्लियर टू यू।